नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित जैन, वेलकम टू एडवांस टेक्नो। बाइक स्कूटर के पुराने टायर को ऐसे बनाए ट्यूबलेस कभी नहीं होगा पंचर। यदि आपका बाइक या स्कूटर के ट्यूब वाला टायर है और आप उसे ट्यूबलेस टायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस काम को आसानी से किया जा सकता है। ट्यूबलेस टायर के कई फायदे होते हैं, खासकर जब गाड़ी पंचर हो जाती है तब उस टायर को पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बाहर से ही इसमें स्ट्रिप लगा दी जाती है। अलॉय व्हील की होगी ज़रूरत। बाइक या स्कूटर में ट्यूबलेस टायर लगाने के लिए आपको अलॉय व्हील की ज़रूरत होती है। ये व्हील रिम की तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है। अलॉय व्हील किसी अच्छी कंपनी के होना चाहिए। अब आप इस व्हील में आप अपने पुराने टायर को फिट कर सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि व्हील में ट्यूबलेस टायर ही लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पंचर लिक्विड की होगी ज़रूरत। पुराने टायर में ट्यूबलेस टायर में कन्वर्ट करने के लिए पंचर रिपेयर सीलेट की ज़रूरत होती है। एक टायर में इस लिक्विड को 400 ml डाला जाता है। ये लिक्विड टायर के स्पेस को कवर कर लेता है। साथ ही आपकी गाड़ी पंचर होती है तब ये उसे ऑटो फिट कर देगा, यानी गाड़ी के पंचर होने की झंझट भी खत्म हो जाती है। सबसे पहले अपनी बाइक को टायर के हिसाब से अलॉय व्हील खरीदें। अब पुराने टायर को अंदर से अच्छी तरह साफ कर लें, हो सके तो इसे सिर्फ सर्फ से धो लें। अब टायर का पानी पूरी तरह सूख जाए तब व्हील में हवा भरने वाली नलकी लगा लें। अब इसमें टायर को फिक्स कर दें। फिर टायर को एक तरफ से दबाकर उसमें पंचर लिक्विड को डाल दें। लिक्विड डालने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लें। ये करीब 400 ml लिक्विड डालने के बाद उसमें हवा भरें। अब टायर को घुमाकर लिक्विड को चारों तरफ फैला दें और ट्यूबलेस टायर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है ट्यूबलेस टायर तैयार करने का। तो आप भी अपने इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।